तो ये है नए डिजाइन में समोसा बनाया हमने, और ये बनाना बहुत ही इजी है और ये डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है, आप लोग हमेशा समोसा बॉयल आलू मैश करके बनाया है और खाए हैं, तो हमने क्या किया है, ये आलू को बॉयल भी नहीं किया है और ग्रीन जो मटर आता है वो मटर को भी हमने बॉयल नहीं किए हैं, और इसमें हमने पीनट डाला है यानी कि मूंगफली डाला है, तो वो डाल के हमने बनाया है। और ये हमने भून के बनाया है, आलू और पीनट और ग्रीन मटर को हमने भून के बनाया है ये समोसा, और नए डिजाइन में बनाया है और मसाला भी डिफरेंट है। आप लोग जरूर देखिए ये रेसिपी। तो चलिए कैसा बनता है ये हम देख लेते हैं, और देखिए अंदर का फीलिंग कितना मस्त है, बढ़िया है। तो आप लोग ऐसा ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो। तो चलिए पूरा रेसिपी देख लेते हैं कैसा बनते हैं। वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। आज हम बनाएंगे समोसा। तो समोसा बनाने के लिए हमने ले लिए है मैदे। मैदे हमने ले लिए है 250 ग्राम मैदा लिया है, और हम समोसा आज बनाएंगे हरे मटर और आलू से, एकदम मजेदार धमाकेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी है। वैसे ही हम समोसा बनाएंगे, जैसा आप लोग बाजार में खाते हो सेम उसी तरह का बनेगा, और घर में बनेगा तो बहुत सारा बनेगा, आप लोग घर पर आराम से खा सकते हो, सब जन खा सकते हो, एक से दो, दो से चार खा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने ये मैदे का हम डो बना लेते हैं। तो हम मैदा हमने 250 ग्राम तो ले लिए है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, तो हम ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा सा और भी हम ऑयल डाल देते हैं। जितना आप ऑयल डालोगे उतना खस्ता बनेगा समोसा का ऊपर का पार्ट जो हम खाते हैं, बहुत ही खस्ता बनेगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो ये स्वाद अनुसार नमक ये हम डाल दिए हैं, और हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून शुगर। तो शुगर आप डालिएगा जरूर, बहुत ही खस्ता बनेगा, अच्छा बनेगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो इसीलिए आप डाल सकते हो इसमें। और हम इसमें डालेंगे ये अजवाइन हमने लिए है 1/2 टेबल स्पून, ये हम थोड़े से हाथ से ऐसा मसल के इसमें हम डाल देते हैं। ये अजवाइन डालने से जिसको मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है आराम से ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह मैन में ऐसा लगा देते हैं, अच्छी तरह सारे मैदे में अच्छी तरह ऐसा लगाना चाहिए मैन, तभी ये खस्ता बनता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होती है। तो आप देख सकते हो हमने मैन अच्छी तरह लगा दिए हैं, और देखिए ऐसा मुट्ठी बनाइए तो मुट्ठी के अंदर मैदा आ जाते हैं, तो ये समझ लेने का इसका मैन अच्छी तरह लग गया है, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डाल के एक डो बना लेंगे। तो आप जब भी डो बनाओगे थोड़ा सा कड़क बनाएगा, एकदम लूज मत बनाएगा, तो समोसा का डो थोड़ा सा कड़क बनता है। तो इसी तरह हम थोड़े थोड़े पानी डाल के ऐसा डो हम बना लेते हैं। तो ये देख सकते हो मैदा हमने घून के ले लिया है, हमने थोड़ा सा कड़क करके घून के ले लिया है, देखिए एकदम ज़्यादा नरम करके नहीं लिए है। अभी हम इसे कम से कम 15 से आधा घंटा हम ऐसा ढक के रख देते हैं रेस्ट पे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो मैदा तो लगा के हमने रख दिया है रेस्ट पे, तो डो हमने रख दिया है रेस्ट पे। अभी हम फिलिंग बनाने से पहले एक मसाला तैयार करेंगे, समोसा का मसाला। समोसा का मेन मसाला यही होते हैं, इसे भाजा मसाला बोला जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो हमने ले लिए है 1 टेबल स्पून धनिया, और हमने 15 से 20 हमने काली मिरी लिए है, 1 टेबल स्पून जीरा लिए है, और सूखा रेड चिल्ली लिए है। ये हम क्या करेंगे, इसे हम ड्राई रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करके हम मिक्सर में इसे अच्छी तरह पीस के ले लेंगे। तो ये है समोसा का असली मसाला है, आप लोग कभी भी बनाइए ऐसा भाजा मसाला बना के आप लोग बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए ये हम भून लेते हैं, तो अभी हम इसे साइड करके रख देते हैं, और फिलिंग बनाने के लिए जो जो लगेगा एक एक करके हम शेयर कर लेते हैं आपसे। तो ये हमने 2 आलू लिए हैं, आलू को देखिए हमने ऐसा चौकोर साइज में कटिंग करके ले लिए हैं ऐसा, ये हमने 2 आलू लिए हैं, और हमने लिए हैं एक ग्रीन मटर, आप देख सकते हो
ग्रीन मटर हमने 200 ग्राम ले लिए है। ग्रीन मटर को अच्छी तरह हमने धो के साफ करके ले लिए हैं। और हमें लगेगा ये पीनट, पीनट हमने ले लिया है। पीनट हमने कम से कम 100 ग्राम लिए है। तो आप लोग जब भी समोसा बनाइए पीनट जरूर डालिएगा, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है खाने में। इसे हम तेल में इसे भून के ले लेंगे, अभी नहीं, जब हम बनाएंगे मसाला तैयार करेंगे तभी हम भून के ले लेंगे। और हमें जो जो मसाला लगेगा वो हम एक एक करके आपसे शेयर कर रहे हैं। ये हमने अदरक लिए है, अदरक को हमने छोटे छोटे करके कटिंग करके ले लिए है। आप देखिए तो ऐसा एकदम चॉप करके लीजिएगा, बहुत ही टेस्ट लगता है। पेस्ट से ज़्यादा आप चॉपिंग करके लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और लहसुन भी हमने चॉप करके ले लिए है। और हमने 3 हरी मिर्ची भी कटिंग करके ले लिए हैं। और हमने 1 ऑनियन लिए है, ऐसा देखिए छोटे छोटे कटिंग करके ले लिए हैं। और हरे धनिया लिए हैं। तो इतना ही हमें लगेगा। तो चलिए गैस चालू करते हैं। तो गैस चालू करके हमने कढ़ाई बिठा दिया है। पहले हम ये मसाला भून लेते हैं, ये भाजा मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले हम रेड चिली डाल दिए हैं, रेड चिली थोड़ा सा हमें भून के लेना है, उसके बाद हम एक एक करके सब डाल देंगे। तो रेड चिली हल्का भून के हो गया है। अभी हम धनिया और काली मिरी ये हम डाल देते हैं। लास्ट में हम जीरा डालेंगे, अभी नहीं, ये थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। तो हल्का हल्का भून के हो गया है, अभी हम जीरा डाल देते हैं। जीरा भी हम भून लेते हैं अच्छी तरह, एकदम पूरा लाल करके भूनना नहीं है, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट होएगा वो हिसाब से लेना है, जैसा खुशबू अच्छा आने लगे तब तक भूनना है। तो आप देख सकते हो ये हो गया है, अभी हम ये निकाल के ले लेते हैं। तो वही कढ़ाई में हमने तेल डाल दिए हैं। तो अभी हम ये जो मूंगफली है ये हम भून लेते हैं तेल में लाल करके। तो ये देख सकते हो मूंगफली हमारा भून के हो गया अच्छी तरह, अभी हम ये निकाल के ले लेते हैं। तो अभी हम तेल के ऊपर डाल रहे हैं, देखिए ये 5 फोड़न है, 5 किस्म का है, ये फोड़न है, 5 फोड़न बोलते हैं इसे। ये बहुत ही बढ़िया लगता है फोड़नी में डालने से, अच्छा भी लगता है खाने में, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये थोड़ा सा हम भूनने तक इंतज़ार करते हैं, एकदम खुशबू आने तक इंतज़ार करना है। और गैस का फ्लेम एकदम स्लो में रखना है। तो देखिए ये भून के हो गया है, देख सकते हो आप लाल हो गया है। तो अभी हम ये ऑनियन डाल देते हैं, प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन करके भून लेते हैं। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन करके भून के हो गया है, अभी हम लहसुन डाल देते हैं। और ये अदरक जो हम चॉपिंग करके रखे हैं ये हम डाल दिए हैं, डाल के ये भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं थोड़े से। तो अदरक लहसुन हल्का भून के हुआ है, तो अभी हम ये जो ग्रीन चिली कटिंग करके रखे हैं ये भी हम डाल देते हैं, ये भी इसी के साथ में अच्छी तरह भून के हो जाएगा। जब भी बनाएगा मसाला अच्छी तरह भूनना चाहिए, तभी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो मसाला भूनने का बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। तो अभी हम ये डाल देते हैं आलू, और ये मटर जो हमने धो के रखे हैं ये हम डाल देते हैं, ये डाल के अच्छी तरह चला देते हैं, और इसमें हम नमक भी ऐड कर देते हैं क्योंकि अंदर तक नमक भी जाना चाहिए। तो ये स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देते हैं, ये डाल दिए हैं हम स्वाद अनुसार नमक। और हम ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दिए हैं। तो सारे चीज़ों को हम मिला देते हैं, इसी तरह मिलाना है, मिला के हम एक ढक्कन लगा देते हैं क्योंकि आलू और मटर को हमें सॉफ्ट करके लेना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसी तरह ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके इसे हमें सॉफ्ट करके लेना है क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा, इसी में ही पकेगा ये जो आलू का मटर का जितना ही पानी निकलेगा उसी में ही पकेगा। तो ये देख सकते हो हमने ढक्कन लगा दिया है, गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है, और 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 2 मिनट के अंदर एक दो बार आप चला भी देने का। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, आलू अच्छी तरह भून के हो गया है, आलू और मटर। तो देख लेते हैं सॉफ्ट हुआ क्या नहीं। तो देखिए आलू एकदम सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह पक गया है। तो देखिए ये देखिए एकदम पक गया अच्छी तरह, और आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो ये एकदम तैयार हो गया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो पीनट हमने फ्राई करके रखे थे तेल में ये हम डाल देते हैं। तो इसी तरह आप लोग आलू मटर और पीनट को फ्राई करके आप लोग ऐसा बना सकते हो। और हम इसमें डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हो।
तो आप लोग समोसा हमेशा बनाते हो आलू को बॉयल करके मैश करके डालते हो, लेकिन एक बार ऐसा आलू बॉयल ना करके और ग्रीन मटर भी बॉयल ना करके आप लोग ऐसा भून के बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। तो ये हम हरे धनिया भी डाल दिए हैं, ये हमारा लास्ट हो गया है। देखिए ये भी हम चला देते हैं अच्छी तरह, और हमने जो भुना हुआ मसाला भून के रखे हैं, भाजा मसाला बोलते हैं, वो भी हम डालेंगे। थोड़ा सा हम ये मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे। तो देखिए ये हम अच्छी तरह चला दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, और थोड़ा सा ऐसा आप दबा दीजिएगा तो एक दूसरे से एकदम अच्छी तरह चिपक जाएगा। ज़्यादा इसमें मैश नहीं करना है, थोड़ा सा ही ऐसा ही करना है, क्योंकि हमें थोड़ा मैश रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा तो ये खाने में अच्छा लगेगा। जब मुंह में जाएगा तो आपको टेस्ट मिलेगा, क्या क्या आप खा रहे हो आपको पता भी चलेगा। तो अभी हम ये जो भुना हुआ मसाला, ये हम मिक्सर में देखिए ये हम पीस के ले लिए हैं मिक्सी में, ये हम डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून डाले हैं, और भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये आप जरूर डालिएगा और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। तो आप लोग ये मसाला ऐसा भून के भी रख सकते हो, कोई भी आप सूखा भाजी बनाओगे तो उसमें आप डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारा हो गया है, अभी हम ये ढक के ठंडा करके ले लेते हैं थोड़ा टाइम, उसके बाद हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम ठंडा करके भी ले लेते हैं और ढक के भी रख देते हैं, मसाला अंदर तक जाएगा। तो मैदा हमारा आधा घंटा हो गया है रेस्ट करके, और हमने अच्छी तरह और भी मालिश करके ऐसा पेड़ा निकाल के ले लिए हैं, लीची जैसा हमने कटिंग करके ले लिए हैं। और एक देखिए रोटी से थोड़ा सा हमने छोटा बनाया है, तो आप लोग आपका हिसाब से बना सकते हो, हम हमारा हिसाब से बनाया है, तो इसी तरह हम ये निकाल के ले लिए हैं। तो ये अभी हम साइड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक बाटी में हम 2 चम्मच मैदा लिए हैं, और ये मैदा का हमें एक घोल बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बनाना है मैदे का। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने मैदे का बैटर बना लिया है, आप देख सकते हो इसी तरह बनाना है। इसका कंसिस्टेंसी देखिए इसी तरह होएगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं है। तो अब ये हम साइड करते हैं। तो अभी हमें बेलना है, एक हमने ले लिया है लीची, जैसा रोटी बेलते हैं वैसा ही हमें बेलना है, गोल करके एकदम ऐसा ही फटाफट, जैसा ही हम रोटी बनाते हैं वो हिसाब से ऐसा गोला करना है। देखिए इसी तरह गोल करके बेल के लेना है। देखिए ये हमारा हो गया है गोल करके, तो ये हमने ले लिए हैं। अब ये हमें बीचों बीच रखे हैं, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच हमने जो फिलिंग बना के रखे हैं, 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। डाल के थोड़ा सा चम्मच के मदद से आप ऐसा फैला दीजिएगा, पूरा फैलाना नहीं है, बीच में ही फैलाना है ऐसा। देखिए ये हमने फैला दिया है। तो अभी हमने जो मैदे का बैटर बना के रखे थे, ये हम क्या करेंगे, इसके साइड में ऐसा थोड़ा सा लगा देंगे। ये हम नए डिजाइन में बना रहे हैं, देखिए। तो अभी ये इसे ऐसा पलटी करना है, और ये बाजू भी ऐसा मोड़ देना है अच्छी तरह, और ये साइड में पूरा नहीं मोड़ना है, थोड़ा ही मोड़ना है हमें, इतना ही मोड़ना है, इससे आगे नहीं मोड़ना है, इतना ही मोड़ना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं, लगा के फिर ये बाजू भी हम ऐसा फोल्ड कर देते हैं। ये हम फोल्ड कर दिए हैं, और ये बाजू अच्छी तरह ऐसा पैक कर देना है। ये हमें ऊपर से थोड़ा सा ऐसा बैटर लगाना है, लगा के ये भी हम फोल्ड कर दिए हैं, दे के हमें ऐसा अच्छी तरह चिपका देना है इसी में, ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। और ये साइड में जो हमने लगाया है, ये थोड़ा ऐसा दबा देने का, ए बाजू का नहीं दबाने का, इतना खाली रखना है, क्योंकि इससे हमें डिजाइन बनेगा। फिर हमें क्या करना है, ऐसा लेना है, ऐसा पलटी करना है, पलटी करके ए बाजू थोड़ा सा और भी हमें बैटर लगाना है, लगा के फिर ऐसा फोल्ड कर दीजिएगा और ऐसा दबा दीजिएगा, ऐसा दबा दीजिए। देखिए एकदम मस्त बन जाएगा, डिजाइन भी बन जाएगा और ए भी बन जाएगा अच्छी तरह, और ये तेल में खोलेगा भी नहीं, ऐसा बैटर से हमने बना दिया है ना, तो तेल से खोलेगा नहीं, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। तो चलिए इसी तरह हम पूरा बना लेते हैं सब। तो आप देख सकते हो सारे हमारा बेल के हो गया है, एकदम डिजाइन मस्त भारी है, ये देखिए इसमें भी हमने बेल के ले लिए है। तो चलिए अभी फ्राई करते हैं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने एक डाल दिए है अंदर फ्राई करने को। अभी ये एकदम मीडियम गैस पे फ्राई करना है, तभी एकदम क्रंची बनेगा।
तो इसी तरह फ्राई करके लेना है। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन आ गया है। तो चलिए इसी तरह पूरा हम फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके प्लेटिंग करके मिलते हैं। तो नए डिजाइन में समोसा हमारा एकदम तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और ये बनाने में एकदम इजी है, हम बना के तो आपको दिखाया है, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। अभी ग्रीन मटर अवेलेबल है बाजार में और हर कुछ, अभी ठंडी का टाइम है, वो भी अच्छा लगेगा खाने में। तो आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए हो हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकॉन वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। आप सभी लोग, आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए।